टाइटल सिनेमा है, अच्छा लग रहा है। जब टाइटल सुना तभी दिल में आ गया, फिल्म मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। प्रोड्यूसर अच्छे हैं, अभय जी हैं मेरे साथ, प्रोड्यूसर हैं अभय जी। अभय जी की मैंने एक और फिल्म की है शूद्रा, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रदीप शर्मा जी, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी कॉपरेट करते हैं एक दोस्त की तरह, जैसे रोहित शेट्टी कह लो और अजय देवगन की जोड़ी है, तो वो मुझे अपना अजय देवगन कहते हैं आप मेरे धनुष हो, पता नहीं कितने नाम मेरे रख दिए उन्होंने, तो मुझसे वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उनसे मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ जी। फिल्म को लेकर कुछ खुलासा करना चाहेंगे? खुलासा ये करना चाहूँगा, हर बार की तरह कुछ नया, जैसे हर बार टीम चेंज होती है, बैक टू बैक मैं फिल्में कर रहा हूँ, सब में एक नई टीम होती है, नए लोग काम करते हैं। लोगों की शिकायत रहती है, भैया हमको काम नहीं मिलता, तो मुझसे शिकायत मत करना, मैं हर बार नए लोगों को काम देता हूँ और फिल्म का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, सांच को आँच क्या। इस बार भी फिल्म के नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजेश दुबे जी, कमाल का म्यूज़िक करते हैं। देखिए इनका मैं बायोडाटा बता दूँ, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है, ये घाव बहुत गंभीर करते हैं। एक म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मधुकर आनंद, जिन्होंने हमारे साथ की थी जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बड़ी, बड़े बड़े हिट गाने दिए उन्होंने, इंडस्ट्री के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उनको ही असिस्ट किया था इन्होंने, और ये पूरी तरह परिपक्व हैं। मेरे ख्याल से मधुकर जी अब गुरु गुरु रह जाएंगे, चेला शक्कर हो जाएगा, तो ये होना भी चाहिए, गुरु से चेला आगे जाए तो उनका भी नाम होगा। विश यू ऑल द बेस्ट राजेश, थैंक यू भैया, ऐसे ही रॉक करते रहो और मधुकर जी से भी बड़े हिट गाने देते रहो। ठीक है, फिल्म की अभिनेत्री के बारे में मैं बताऊं या खुद ही पूछ लेंगे? बता दीजिए इंट्रोडक्शन। देखिए फिल्म में अभी नई हीरोइंस हैं, तो कुछ नया चेहरा हो, हीरो देखिए हीरो ऐसा भी चल जाता है, पर हीरोइन जो होती है ना एकदम फ्रेशर चाहिए, ठीक है, जो मासूम लगे, तो मेरे ख्याल से दोनों मासूम लग रही हैं। इनसे ही बात करिए, बताएंगे फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में तो स्टोरीज जी, मेरा नाम आरती गायकवाड़, और रही फिल्म बात फिल्म की, तो फिल्म की जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी, तो स्टोरी सुनते ही आई वाज लाइक कि नहीं डूड, ये तो करनी है। तो जिस तरीके से नाम है फिल्म का चौखट, उसी तरीके से स्टोरी भी है, तो काफ़ी अच्छी फिल्म है और सर भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी टीम भी काफ़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली नो डाउट काम करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी ये मेरी फ़र्स्ट मूवी है, तो मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट मूवी के हिसाब से मुझे कोई मतलब डाउट होगा या फिर काम करने में कोई तकलीफ़ होगी, स्पेशली सर के साथ। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को करने के लिए। सो आई होप आप सबका प्यार मिले, आप सबके विशेज मिले, एंड थैंक यू सो मच। क्या किरदार है इसमें आपका? देखिए पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये इन्होंने कहा आरती गायकवाड़, गायकवाड़ महाराष्ट्रियन होता है, ठीक है, ये मराठी हैं, लोग कहते हैं महाराष्ट्रियन ना यूपी बिहार वालों को पसंद नहीं करते, जब भोजपुरी फिल्म पसंद करती हैं तो लोगों को कैसे पसंद नहीं करते। मैं आप लोगों को बता दूँ, महाराष्ट्रियन जो है ना वो हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, मैं बचपन से बॉम्बे में रहता हूँ, तो ये विडम्बना अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि वो हमको प्यार नहीं करते, हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारी भाषा से भी बहुत प्यार करती हैं और हमारी भाषा में आ रही हैं, तो इनका वेलकम ज़रूर करें। ठीक है, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट अभिनेत्री की तरफ जी। जी नमस्कार, मेरा नाम है प्राची सिंह, इसके पहले मैंने मेरे प्यार से मिला दे मूवी की थी और आज मैं यहाँ पर आई हूँ चौखट में, तो बेसिकली लेट्स सी इनके साथ काम करके चौखट में एंट्री हो चुकी है। हाँ, चौखट में एंट्री हो चुकी है, तो बस एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बस चाहते हैं ऐसी काम। देखिए हीरोइन मासूम है ना, ठीक है, शर्मा मैं तो शायद थोड़ी सी नहीं लगूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर जो भी है करेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, काफ़ी अच्छा स्टोरी है इसका, और मैं तो चाहूँगी कि जब हमारी फिल्म रिलीज़ होगी तो आप सब जाइए, सब देखिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू, वी लव यू ऑल, लव यू मोर देन यू। मुझे डायरेक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, हमारे वही बाप भाई थे। सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को, श्रोताओं को राजेश दुबे का प्रणाम। भैया का कमिटमेंट था मनोज भैया का बहुत पहले ही कि एक बार तो तुम्हारे साथ जरूर करेंगे, आज इन्होंने अपना वादा ये पूर्ण किया है। और दूसरा थैंक्स मैं प्रदीप शर्मा जी को कहना चाहूँगा और अभय सिंह जी को कि कुछ दिन पहले इन्होंने भी कमिटमेंट किया था, आज इन्होंने अपना पूरा किया है। और भैया ने कहा कि मैं मधुकर भैया को असिस्ट किया हूँ। बिल्कुल सही कहा।